जैन अनुष्ठान चैनल को सब्सक्राइब करें। जैन धर्म की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए नए विषयों के साथ आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं हूं आपका इष्टो गुरु निकुंज। प्रतिदिन नई नई वीडियो के साथ हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आज हम आप सभी के लिए 2019 का एक राशिफल लेकर के आए हैं। 2019 आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी राशियों के लिए कैसा रहेगा, पूरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, जिनका हमने काफ़ी गुरु भगवंतों के पास जाकर के रिसर्च किया है, बहुत सारा अभ्यास किया है, और ये अभ्यास आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ को लाए, सारे कष्टों को दूर करे, बहुत सारा ये पूरे 2019 के साल में उतार चढ़ाव होने वाला है। तो सबसे पहले गुरु गौतम स्वामी जी भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा को नमन करते हुए उनके मंत्र के साथ 2019 का हम राशि भविष्य का प्रारंभ कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंख बंद करते हुए गौतम स्वामी जी भगवान का हम स्मरण करेंगे। जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उन सभी का 2019 का साल परम मंगलकारी हो। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। गौतम स्वामी जी भगवान को नमन करते हुए हर मनोकामना 2019 के अंदर पूरी हो, ऐसी हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। 2019 का साल जो है वो पूरा ग्रहण के साथ, जनवरी महीने में ही दो ग्रहण हैं और पूरे साल में 5 ग्रहण हैं, तो ये ग्रहण के साथ पूरा साल जाएगा। प्रजा और राजा के बीच में शनि केतु के युति, सूर्य शनि का साथ में आना, ये सारी जो ग्रहण का साथ साथ में सारा जो परिवर्तन है, जिसके कारण राजा और प्रजा के अंदर तनाव बढ़ने की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर में देखा जाए तो धनु राशि के अंदर शनि केतु की जो युति है, जिसके कारण भीषण आग लगना, प्राकृतिक आपदा आना, बहुत सारा उतार चढ़ाव होना, ये भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शनि की जो 7.5 की बात करें तो वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि की जितने भी जातक है उनको थोड़ा सा उनके प्रभाव में दिख सकता है। साथ में ढैया की बात करें तो वृषभ राशि और कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको भी थोड़ा सा इनका प्रभाव दिखने को मिल सकता है। ग्रहों के जो परिवर्तन की बात करें तो राहु और केतु जो है मार्च महीने में परिवर्तन करेंगे, गुरु जो है वो नवंबर महीने में परिवर्तन करेंगे राशि परिवर्तन, और शनि का कोई विशेष राशि परिवर्तन नहीं है। तो इसी के साथ ये पूरी वीडियो आपके जीवन के अंदर पूरी प्रसन्नता, आरोग्य, करियर के क्षेत्र, ये पूरे जो हमने विश्लेषण किया है वो आपकी लग्न राशि के हिसाब से किया है। जो भी दर्शक नए जुड़े हैं तो लग्न राशि के हिसाब से आप इस वीडियो को देखने का कोशिश करें, और इनके साथ आइए अब देखते हैं आपकी राशि का राशिफल। आइए अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाली मोस्ट एग्रेसिव राशि, सिंह राशि, सिंह लग्न। ग्रहों की जो पूरी परिस्थिति का मोटी मोटा अपन अभ्यास करें तो सभी ग्रहों का जो परिवर्तन है, जिसके अंदर गुरु जो है चतुर्थ भाव में और शनि जो है वो पंचम भाव के अंदर 2019 में लगभग विराजमान रहेंगे, और उसके कारण पूरा करियर, फाइनेंस, प्रेम संबंध, शिक्षा, अभ्यास की पूरी विगत बार बाद सिंह राशि वाले सभी जातकों को 2019 का जो समय है बहुत बहुत उन्नति दायक है। पदोन्नति होगी, पद की प्रतिष्ठा होगी, सेविंग अच्छा होगा, जितनी यात्रा ज़्यादा करोगे ट्रैवल से बहुत लाभ है। ट्रैवलिंग का बिजनेस भी करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको प्रमोशन, प्रतिष्ठा और जबरदस्त कोटि का आर्थिक लाभ ये पूरे साल में दिखाई दे रहा है। खूब आर्थिक लाभ होगा, खूब धन का आवक भी ज़्यादा होगी और बचत भी ज़्यादा होगी, साथ साथ में सेविंग भी आप अच्छा कर पाएंगे। आगे का जो प्लानिंग करना चाहते हो उसके लिए भी ये पूरा 2019 का जो साल है बेहतरीन आपको फल देने वाला होगा। वारसागत इनकम, अचानक आपको धन मिल सकता है, कई लंबे समय से धन का कोई विवाद चल रहा है तो वो भी सुलझने का चांस बहुत ज़्यादा 2019 में बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए आगे का थोड़ा सा प्लानिंग करने के लिए ये बहुत बेहतरीन समय है। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंध की, तो ये स्थिर है, न अच्छा है न बुरा है। जहाँ पर आपका प्रेम चल रहा है वहाँ बातें आगे बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मन मुटाव करके आपकी पूरी जो जीवन की गाड़ी है वो चलती रहेगी, नए प्रेम संबंध बनेंगे, जो भी युवा है उनके अच्छे लोगों के साथ दोस्ती होगी, स्थिरता बढ़ेगी और जीवन के अंदर रिश्ता बनाने से ये समय में जो आप रिश्ता भी बनाएंगे और रिश्ते से भी आपको लाभ होगा, साथ में प्रेम संबंध के अंदर मधुरता, स्थिरता बढ़ेगी और उनके साथ आप शादी करने का भी प्लान, अभी वर्तमान में जितने भी सिंह राशि के जातक है तो उनको कहीं ना कहीं उनके जो मन की इच्छा है
वो पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो प्रेम संबंध के भी हिसाब से देखा जाए तो ये साल आपके लिए मध्यम से अच्छा है, तो उसमें भी आप बहुत प्रसन्नता के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। 2019 की बात कर रहे हैं, सिंह राशि वाले जितने भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ये साल आपके लिए बहुत टेंशन वाला है। मन चाहे रिजल्ट सफलता कम, टेंशन ज़्यादा, आलस बढ़ेगी, विचार परिवर्तन होगा, ये कोर्स करूँ, ये कोर्स करूँ, ये कोर्स करूँ, बहुत ही ये समय आपको संभल करके चलना है। आपकी काफ़ी सालों की मेहनत के ऊपर कुछ नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो 2019 सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं उन सभी लोगों को बेहद सावधानी रखनी है, सरस्वती उपासना साधना करनी है, मंत्र जाप मेडिटेशन करना है, योग्य जगह के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो भी इसके आगे बनाई हुई कि पढ़ाई करना है तो भी कहाँ करना है, तो खास योग्य स्थान के ऊपर बैठ करके आप पढ़ाई करेंगे तो ये साल आपका शांतिपूर्ण पसार होगा। क्योंकि ये साल के अंदर आलस बहुत बढ़ेगी, आलस बढ़ेगी, आप पढ़ाई बराबर कर नहीं पाओगे, नुकसान होगा और आपकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो 2019 सिंह राशि वाले सभी जातकों को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ज़बरदस्त चुनौती मिल सकती है अच्छे पंडित जी के सलाह सूचन लेकर के। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी बात करते हैं, जितने भी 2019 के अंदर सिंह राशि वाले जातक हैं उनको पेट संबंधी हृदय संबंधी थोड़ी सी तकलीफ बढ़ सकती है, तो आपको थोड़ी सी सावधान रहनी है, ज़्यादा कोई तबीयत में उतार चढ़ाव नहीं होगा। लेकिन सिंह राशि वाली जितनी भी जातक महिला है उन सभी को यदि वो प्रेग्नेंसी है या माँ बनने का उनका प्लानिंग चल रहा है तो ये समय बेहद थोड़ा सा गंभीर समय है। सोच करके समझ करके मेडिकल सलाह लेकर के खास आपको ये विषय के अंदर आगे बढ़ना है। तो मध्यम जैसा 2019 में आपका आरोग्य रहेगा तो खास सावधानी रख करके प्रेग्नेंसी वाली सभी महिलाओं को भी मंत्र जाप भक्तांबर का दान, गर्भ संस्कार की जो विधि है, अपने परिवार में कुल दीपक आए उनके लिए खास गर्भ संस्कार की विधि करा करके ये चीज़ के अंदर आप आगे बढ़े। सावधानी क्या रखनी है तो सावधानी के अंदर गलत व्यक्तियों से संगत नहीं करना है, क्योंकि आय बहुत आएगी, इनकम बहुत आएगी, लास्ट के कुछ महीने हैं उसमें थोड़ा सा नुकसान होने का चांसेस है, तो ऐसे लोगों से प्रभावित नहीं होना है। कहाँ से आ रहा है, कभी कभी इंसान भूल जाता है, ऐसे कार्य का चालू कर देता है एक साथ में लाखों रुपया आने लग जाता है, तो धन कहाँ से आ रहा है उसको खास ख्याल रखना, क्योंकि अनीति का धन लंबा समय तक टकता नहीं है, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी चला जाएगा। तो आर्थिक का पूरा प्लानिंग कीजिए। और दूसरे नंबर के अंदर शिक्षा के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चलो मैंने एक कोर्स किया मुझे इसमें सफलता नहीं मिली, नया करता हूँ। शिक्षा में कुछ नया करने से पहले 100 बार सोच करके आपको आगे बढ़ना है। और गर्भवती महिला खास करके सिंह राशि के जितने भी जातक है वो थोड़े से सावधान रह करके पूरा समय बिताए। कुछ महीने मार्च अप्रैल और सितंबर ये 3 महीने सभी को खास सावधानी रखनी है। खूब ज़्यादा भक्ति कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, समाज की सेवा कीजिए और ये सारे करते करते 2019 आरोग्य ऐश्वर्य और धन संपदा के अंदर खूब आप प्रगति करें, हर मनोकामना परमात्मा परिपूर्ण करें। और भी कुछ आप जानना चाहते हो जरूर आप हमारी संस्था का संपर्क करें।